Today, I will teach you IT modules in ground. More today, we teach with roop pravandhan ki strategy ya roop rekha kis prakar se taiyar karni hai. Kyunki mumpali rehne fasalon mein prakar sthan hai. Bharat का मूंगफली में पहला स्थान है. मूंगफली में अनेक रोग होते हैं जिनके द्वारा की फसल को अत्यधिक नुकसान होता है. अतः मूंगफली की फसल के लिए एकीकृत रोग प्रबंधन अपनाने की परामर्श है. तो जैसा कि मैंने टॉपिक में लिख दिया है आईडीएम कि मूंगफली में किस प्रकार से एकीकृत रोग प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की जाए. तो जैसा कि सभी फसलों में हम करते थे, सबसे पहले रोगों की इंफॉर्मेशन हम एकत्र करते हैं. तो इसके लिए रोगों की इंफॉर्मेशन एकत्र करने के लिए टिक्का डिजीज को लीफ ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है. और ये फसल का नाम तो मूंगफली पड़ाई हुआ है. तो ये टिक्का डिजीज दो प्रकार के पैदल ऑर्गेनिज्म से प्रभावित होती है. नंबर एक Thank you.
इसके बारे में थोड़ा जान लें, ये तो आगे की होती है लीफ लाइन मूंगफली में और ये पिछड़ती लीफ लाइन है। अगर की लीफ लाइन जो होती है ये सरपोस थोड़ा एच कोला के कारण होती है और इसमें पत्ती के ऊपर
का, तो इसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया वैक्सीनिया इरेजेस, जो कि मूंगफली में रोग उत्पन्न करता है। वैक्सीनिया इरेजेस जो कि मूंगफली में रस्ट रोग उत्पन्न कर देता है। नेक्स्ट है क्राउन
फील्ड सैनिटेशन, हमारे फील्ड इसको हिंदी में कहते हैं खेतों की सफाई। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फसल में जो कल्टीवेशन होता है तो तीन प्रकार से, मैंने आपको बताया था, या तो डेसिमिनेशन होगा अगर होता है तो, या तो बाई एयर होगा, या बाई स्प्राइट होगा, या बाई सीड होगा। तो खेतों की सफाई इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ये जो रोगजनक है, इन रोगजनकों के स्पोर, माइसीलियम, रेसिडियो, ऊज, सिस्ट, एयर इत्यादि खेतों में पड़े रहते हैं, जो कि खेतों में पड़े पड़े पार्टिसिपेट करते हो। जैसे ही अगली फसल बोई जाती है तो इनमें से माइसीलियम होकर के इसमें भी गर्मियों में गहरी जुताई कर देना चाहिए। गर्मियों में गहरी जुताई कर देने से, जैसा कि अन्य प्रश्नों में भी मैंने बताया था कि जो इनके प्रकोप, जो इनके स्पोर या उज शिष्ट जो भी खेत में पड़े होंगे वो सूर्य के तेज गर्मी से, जबकि टेम्परेचर मई और जून में 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, उस समय ये नष्ट हो जाते हैं। कई कवक ऐसे होते हैं जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए और सर्वकालीन नष्ट करने से इनको अवश्य रूप से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है थर्ड क्रॉप रोटेशन। जैसे कि निमेटोड हैं, ये सब फाइल बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो हमको ये निश्चित करना है कि जो हम मूंगफली के लिए लगातार फसल को एक ही खेत में हमको ग्रो नहीं करना है, इसको हमको 2 से 3 वर्ष में इसको पलट देना है। इसके बाद में अन्य कोई ग्रेन सीरियल ले लेते हैं, इसके बाद फिर हम मूंग
का ही फैसला लेंगे, इससे क्या होगा कि जो हमारा निवेश वृद्धि है ये कम हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इससे भी हमारे रोग फैलने का खतरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम बहुत आगे
बी मई एंड फर्स्ट डे जून में शोइंग करते हैं। जैसे इस अगर जब टाइम का थोड़ा परिवर्तन कर दोगे तो हमारे मूंगफली की फसल में कम से कम रोग आने की संभावना रहेगी, तो इसको शेयरिंग में शोइंग टाइम को भी हमको शामिल करना है। नेक्स्ट है मूंगफली की फसल में मैग्नीशियम कमी हो जाने से भी इसमें रोग बहुत तेजी के साथ फैलते हैं, अतः खेत के पर्याप्त मात्रा में मैग्नीज रहना चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी में टिक्का डिजीज के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी चंद्रा चंद्रा को आना चाहिए। इसमें हमारे टिक्का डिजीज का प्रकोप नहीं होता, तो हमको चंद्रा आदि वैरायटी उगानी चाहिए। अन्य और जो रोग होंगे जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनको ही फसल में उगाना चाहिए, ये स्ट्रेटजी में खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि रोगों से क्षति ETL एक्नोपल थ्रेशोल्ड या आर्थिक छत स्तर से अधिक जा रहा है तो हमको खेत में रसायन का प्रयोग करना है। इन बीमारियों को रोकने के लिए इसके लिए हम कौन से रसायन प्रयोग करेंगे? डाइथेन जेड 78, डाइथेन M45 छिड़काव करने से मूंगफली में बीमारियों से होने वाले डैमेज रुक जाएगा। थैंक यू। अगले फसल का अगले मॉड्यूल्स बनाएंगे।